कुछ एक्टर्स को महानता का एक ऐसा वरदान होता है जिससे वो सिनेमा को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। कुछ ऐसे जो एक से ज्यादा किस्म के सिनेमा को भी इन्फ्लुएंस करते हैं। कमल हासन के केस में ही इज वन ऑफ दोज हैंडफुल ऑफ आर्टिस्ट जिन्होंने एक नहीं तीन तीन इंडस्ट्री में अपने काम को अमर किया, तमिल, तेलुगु एंड हिंदी। मेरा नाम है साकिब एंड वेलकम बैक टू द फ्लिक सर्कल। और आज की ये वीडियो है एक ऐसे अनडिस्प्यूटेड एक्टर के बारे में हु कांट बी कॉल्ड द किंग ऑफ सिनेमा बट द किंग ऑफ द आर्ट ऑफ सिनेमा, उल्का नायकन एके कमल हासन। और आज की ये वीडियो उन्हीं को डेडिकेटेड है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। एक एक्टर जो 60 साल से भी ज्यादा बिग स्क्रीन पर रह चुके हैं, ये कहना लॉजिकल है कि उनका कंपटीशन कोई और नहीं, वो खुद ही हैं। एंड ओवर द स्पैन ऑफ हिज करियर देयर इज हार्डली एनी फ्रंटियर लेफ्ट फॉर हिम टू कॉन्कर। उन्होंने सिर्फ एक्टिंग ही नहीं बल्कि राइटिंग, डायरेक्टिंग, सिंगिंग एंड इनफैक्ट खुद ही ना जाने कितनी फिल्मों में खुद का ही मेकअप किया है। इफ यू वुड आस्क मी, द मैन वॉज ऑलवेज अहेड ऑफ टाइम एंड बिगर देन द मीडियम ही वर्क्स इन। मोर देन एन एक्टर, ही इज एन आर्टिस्ट। An artist who dedicates himself to the art of cinema and has always shown that how filmmaking is beyond commercialization, glamorization and a money-making machine. A born powerhouse of talent. भूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं, ऐसा हमने अक्सर सुना है। Well, कमल हसन सर ने अपना डेब्यू किया था सन 1960 की मूवी कलाथुर कान्नम्मा से और उस वक्त वो सिर्फ 4 साल के थे। और बात यही खत्म नहीं हुई, उन्होंने इस फिल्म में अपने रोल के लिए प्रेसिडेंट्स गोल्ड मेडल भी जीता था। Yes, पहली फिल्म वो भी एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट, एन आर्टिस्ट पार एक्सेलेंस। कमल हसन सर ऑलवेज लर्न्ड फ्रॉम द बेस्ट। ही इज द प्रोटीज ऑफ लेजेंडरी के बालाचंदर, जिन्हें कहा जाता है दैट ही इज वन ऑफ द बेस्ट स्टोरी टेलर आउट देयर। केबी सर ने कमल हसन को अपना पहला बिग ब्रेक दिया था फिल्म अपूर्वा रांगंगल से सन 1975 में, जिसने कमल हसन जैसे अस्पायरिंग एक्टर्स के लिए बहुत से रास्ते खोल दिए। और आगे चल के इन दोनों ने अवरगल, वरुमयन निरम सिवप्पू, सोलावया थिलिने जैसे फिल्में करी, जिससे ये दोनों एक फॉर्मिडेबल डुओ के रूप में सामने आए। कमल हासन ने एक से एक वैरायटी के रोल प्ले किए हैं ओवर द स्पैन ऑफ हिज करियर। उन्होंने हमेशा अपने लुक्स के साथ एक्सपेरिमेंट किए हैं एंड हैज अंडरगॉन मासिव ट्रांसफॉर्मेशन टू गेट इनटू द स्किन ऑफ एनी कैरेक्टर ही प्लेज। चाची 420 में एक बूढ़ी औरत का रोल प्ले करने से लेके द सातारम मूवी में 10 अलग कैरेक्टर्स को अकेले प्ले करने तक। आज के टाइम में VFX से सब कुछ पॉसिबल हो चुका है, बट कमल हसन प्लेड अ डॉर्फ, वो भी इन द ईयर 1989 फिल्म अप्पू राजा में, वो टाइम जब इंडियन सिनेमा में VFX नाम का कुछ था भी नहीं, विच इज स्टिल द बेस्ट कैप सीक्रेट ऑफ द इंडियन सिनेमा, क्योंकि आज तक पूरी तरह किसी को पता नहीं चला कि आखिर वो रिजल्ट अचीव कैसे किया गया विद सच लिमिटेड टेक्नोलॉजी। सो देयर इज नो डिनाइंग इन द फैक्ट दैट कमल हसन हैज ऑलवेज गॉन थ्रू अनडिफाइंड लेंस टू लुक एंड प्ले हिज पार्ट। द ओरिजिनल पैन इंडिया स्टार। पैन इंडिया स्टार एक ऐसा टर्म जो बाहुबली और KGF जैसी मूवीज के बाद काफी रेलेवेंट हो गया। और आप अगर आज की ऑडियंस से पूछो कि उनकी नजर में पैन इंडिया स्टार कौन है, तो मोस्टली प्रभास और यश का ही नाम सुनने को मिलेगा। बट द ट्रूथ इज दैट बोथ द एक्टर्स हैव नॉट अचीव्ड अ फ्रैगमेंट ऑफ द पैन इंडिया स्टेटस दैट कमल हसन हैज, एंड इसी वजह से ही विल ऑलवेज बी द OG पैन इंडिया स्टार। बॉलीवुड में फिल्म एक दूजे के लिए से अपना डेब्यू करके ही बिकेम एन ओवरनाइट सेंसेशन, एंड देन अगेन He didn't just steal the show in the movie Sagar, but bagged a Filmfare Award for the best actor also. Sadma और अभय जैसी फिल्में बॉक्स ऑफिस पे तो बहुत कमाल नहीं दिखा पाई, लेकिन कमल हासन का इन फिल्मों में काम सबकी आंखों में बस गया। The epitome of experiment and storytelling, जहां आज के टाइम पे established actors flop होने के डर से अपनी on-screen persona से experiment करने से डरते हैं, वहीं कमल हासन never held back from experimenting on his real-life image. फिर चाहे वो अप्पू राजा में एक डॉफ का रोल प्ले करना हो या फिर एक बूढ़े फ्रीडम फाइटर का रोल प्ले करना फिल्म इंडियन में, और चाची 420, हे राम और विश्वरूप जैसी फिल्मों को खुद डायरेक्ट करके ही हैज आल्सो प्रूव्ड दैट ही इज अ कॉम्पिटेंट स्टोरी टेलर। आई मीन द कैरेक्टर डेवलपमेंट एंड द डेप्थ ही गिव्स टू ईच एंड एवरी कैरेक्टर इन हिज मूवीज इज समथिंग पीपल ऑलवेज फाइंड इंट्रीगिंग, एंड यू नीड टू हैव अ स्पेशल सेंस फॉर सिनेमा एंड स्टोरी टेलिंग इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द सिम्बोलिज्म इन हिज मूवीज। आई मीन अगर शॉर्ट में कहूँ तो ही इज द फर्स्ट एंड द लास्ट कंप्लीट हीरो इन द इंडियन सिनेमा। आज हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां ऑडियंस एक एक्टर की ऑन स्क्रीन एंड ऑफ स्क्रीन पर्सनालिटी को सेपरेट नहीं रख सकती, और बेसिकली एक एक्टर की फिल्म की सक्सेस उसके काम पे नहीं, उसके स्टेटमेंट पॉलिटिकल स्टांसेस पे डिपेंड करती है। और ऐसे दौर में आज भी कमल हसन इज पीयरलेस।
He stands his ground even today regarding what his ideologies are, instead of changing it with what suits the situation. Unki filmein bhi aksar controversies mein ghir chuki hain, but the star remained unhinged. He believes that his work and his ideologies are not related, and he is one of those rare actors to maintain his credibility with that stance. Because come on, jo cinema samajhte hain unhe pata hai that there can't be another Kamal Haasan. His filmography was and always will be out of this world and will live upon amongst the true pop culture enthusiast forever. Mujhe aaj bhi unka ek interview yaad hai regarding his movie Hey Ram, and what he said in that interview always sticks with me. Well, if it is only for money, I wouldn't have made Hey Ram. I would go according to what the pundits say. I lost a lot of money. But doesn't matter, because they asked me, do you feel different? I said, about what? They say that you've lost. Loss is something that you can never get back. When you lose your mother, she dies, that's a loss. But money is something you can get back. What I have lost are things like that. But I have made a film like Hey Ram, and that I think is my game. In future, people will say that it's a game for the film industry also. So I sound like I'm talking through my hat. I don't wear one. I talk through for my heart. This statement of Kamal Haasan sir is a lesson for all those aspiring writers and filmmakers out there, that focus on the quality, because that will prevail for ages. Kyunki change commercialization nahi, revolution se aata hai. Same way jaise Kamal Haasan ji ne revolutionary content diye hain Indian cinema ko. A big thank you to Kamal Haasan sir for creating great standards in the Indian cinema, and we as true cinema lovers will always look forward to what you bring next. तो गाइस आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई तो लाइक बटन हिट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी ही और इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियोस रिलेटेड टू सिनेमा के. टिल देन वी विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो.